नमस्कार बच्चों मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड माय नेम इस कार्तिक कौशिक एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो बच्चों आज हम आपकी जो यूनिट थ्री है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जो कि हम टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में वो है फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट कि आप अपने डॉक्यूमेंट में को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं आप उसका शेप चेंज कैसे कर सकते हैं आप उसके अंदर बैकग्राउंड कलर कैसे ला सकते हैं आप उसके अंदर जो बॉर्डर है वो कैसे ला सकते हैं आप उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं लेफ़्ट राइट सेंटर और आप बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं तो बच्चों आइए शुरू करते हैं तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है उन विन कैन चेंज दिंग ऑन दॉप डाउन विंडो एंड द्चों जो हमारा एक पैराग्राफ होता है हम उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ बहुत सारी लाइंस का एक पैराग्राफ हो वो जो पैराग्राफ होता है हमारा वो सेवरल सेंटेंसेस भी कंटेन कर सकता है एक सिंगल सेंटेंस भी कंटेन कर सकता है एक सिंगल वर्ड भी कंटेन कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई वर्ड ही ना हो तो इसको भी हम पैराग्राफ कह सकते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कि आप कैसे कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर तो पहला आता है इंडेंटिंग पैराग्राफ्स तो बच्चों इंडेंटिंग पैराग्राफ में पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि आखिरकार इंडेंटिंग का मतलब क्या होता है द वर्ड इंडेंट इज यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस और नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस यूज टू सेपरेट अ पैराग्राफ तो बच्चों जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसको uh, uh, हम उसके नीचे एक दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं दो जो हम उन दो पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस देते हैं उसको हम इंडेंट बोलते हैं और जितना हम स्पेस देते हैं उन दो पैराग्राफ के बीच में उसको हम पैराग्राफ के इंडेंटिंग बोल देते हैं तो आप अब समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता क्या है तो आइए अब पढ़ते हैं द एंटायर पैराग्राफ कैन बी इंडेंटेड इन वन स्टेप प्लेस द टेक्सट कर सर एनवेर इन पैराग्राफ सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट टूल ईच टाइम वेन यू क्लिक और ऑन द इंक्रीज इंडेंट टूल द करेंट पैराग्राफ इंडेंट विल इंक्रीज़ देर इज़ ऑल्सो डिक्रीज इंडेंट टूल दैट रिमूव द इंडेंट तो बच्चों अगर हमने अपने दो पैराग्राफ के बीच में इंडेंटिंग करनी है तो हमें अपना टेक्स्ट कर्चर वहाँ पर आ, कहीं भी हमने अपना टेक्स्ट कर्चर है जो वो प्लेस करना है पैराग्राफ में और हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है इंक्रीज इंडेंट टूल पर जिससे कि जो आपका इंडेंटिंग होगी दो पैराग्राफ के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे ही हमारा एक डिक्रीज इंडेंट टूल भी आता है जिससे कि आप अपना जो इंडेंटिंग है उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं अलाइनिंग पैराग्राफ्स द पैराग्राफ कैन बी अलाइं एज लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई टू अलाइन द पैराग्राफ प्लेस द टेक्स्टर टेक्स्ट कर्सर इन टाइटल पैराग्राफ select the appropriate tool left, right, center or justify from the format toolbar. the the selected word should be now be centered in your document. तो बच्चों अलाइनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं जो मैं जितना भी मैंने लिखा है वो सब स्क्रीन के बीच में है इसके राइट और लेफ्ट तक राइट और लेफ्ट के अगर आप देखें तो इक्वल स्पेस है तो ये मेरा सेंटर aligned है अलाइनिंग का मतलब होता है कि आपको अपना जो टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू करना है अगर मैं उसको लेफ़्ट कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट से स्टार्ट होगा राइट right में स्पेस बढ़ जाएगा अगर मैं उसको राइट right कर देता हूँ तो लेफ़्ट में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और राइट right में कम हो जाएगा अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो दोनों तरफ जो स्पेस है वो हमारा इक्वल होता है और और क्या कहते हैं इसको हम अगर आपको अपना कोई पैराग्राफ अलाइन करना हो तो हम कैसे करें जो हमारा टेक्स्ट कर्सर है उसको हम टाइटल जो पैराग्राफ होता है टाइटल होता है जो पैराग्राफ का वहाँ पर अपना जो कर्सर है उसको प्लेस करें और हमें एक अप्रोप्रिएट टूल यूज़ करना है लेफ़्ट राइट सेंटर ऑफ जस्टिफाई जो कि हमें फॉर्मेट टूल बार में मिलेगा जो भी आप टूल इस्तेमाल करेंगे जैसे कि लेफ़्ट किया तो वो हमारा पैराग्राफ लेफ़्ट लाइन हो जाएगा और अगर आपने राइट किया तो राइट लाइन हो जाएगा को सेंटर के तो सेंटर लाइन हो जाएगा सेंटर को हम जस्टिफाई भी बोलते हैं जैसे कि अगर आप सेंटर पे क्लिक करें तभी सेंटर लाइन होगा उसको कहीं कहीं वो जस्टिफाई के नाम से भी यूज़ होता है अगर आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो भी वो सेंटर अलाइन होगा मूव द माउस पॉइंटर ओवर द फोर डिफरेंट अलाइनमेंट टूल्स एंड रीड द टूल डिप्स अलाइन लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली कंट्रोल प्लस ई अलाइन राइट कंट्रोल प्लस आर एंड जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे तो बच्चों ये शॉर्टकट कीज़ हैं अगर आपको अपने जो अलाइन करना है पैराग्राफ अगर वो आपको शॉर्टकट कीज़ के द्वारा करना है तो आप ये सॉफ्टवेयर शॉर्टकट यूज कर की यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस एल दबा सकते हैं अगर आपको सेंटर और अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस ई दबा सकते हैं अगर आपको राइट right अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस आर दबा सकते हैं और अगर आपको जस्टिफाइड करना है तो आप कंट्रोल प्लस जे दबा सकते हैं फोन कलर हाईलाइटिंग एंड बैकग्राउंड कलर तो बच्चों मैं इससे पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है जो हमारा फोन्ट कलर होता है उसका मतलब होता है कि जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है वो किस कलर का है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है ये प्रॉपर ब्लैक कलर नहीं है ये हल्का सा इसके अंदर एक ब्लू क, ब्लू का शेड है तो ये इसका फोन्ट कलर है हाई तो बच्चों हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास तीन फीचर होते हैं बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन अगर हम बोल्ड कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट होता है वो अलग से हाईलाइट होता है और तीसरा आता है बैकग्राउंड कलर तो बच्चों बैकग्राउंड कलर होता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो वाइट uh, के सिमिलर है मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ ब्लू भी कर सकता हूँ रेड भी कर सकता हूँ ये मेरी मर्जी है इसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं देर आर थ्री मोर टूल्स फॉन्ट कलर हाईलाइटिंग एंड बैकग्राउंड टूल्स ऑन द फॉर्मेट टूल बार टू चेंज द फॉन्ट कलर सेलेक्ट द स्मॉल डाउन पॉइंटिंग एरो ऑन द राइट एज ऑफ फॉन्ट कलर टूल एंड सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स तो बच्चों अगर हमने अपना फोन्ट कलर चेंज करना है तो हमें जो ये आप एरो देख सकते हैं छोटा सा दिख रहा है आपको जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ये हमें राइट right एज पर मिलेगा फोन कलर के टूल पे आप इसको क्लिक करें और अपना मन पस जो आपका मनपसंद रंग है उसको सेलेक्ट करें तो आप वहाँ से अपना जो फोन्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं टू चेंज द हाई कलर सेलेक्ट द स्मॉल डाउन पॉइंटिंग एरो ऑन द राइट एज ऑफ द हाईलाइटिंग टूल एंड चेंज द कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स तो बच्चों जो हमारा हाईलाइट अगर आपको कोई अपना टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो आप यही वाला सेम पॉइंटिंग एरो पर हमें क्लिक करना है मगर जो कि हाई टूल पर होगा और क्लिक करने के बाद हमें अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करना है कि मतलब अगर आप बोल्ड करते हैं तो वो ब्लैक कलर में ही आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाता है मगर आप इसको और भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं तो उससे आप उसको आप ऐसे ही करेंगे जैसे हाईलाइटिंग टूल पर जाकर ये एरो की दबाएंगे और अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करेंगे तो उससे आपका जो टेक्स्ट है वो उसी कलर का हाईलाइट हो जाएगा यू कैन यूजिंग द बुलेट्स एंड नंबरिंग तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होती है बच्चों जैसे कि मैं आपको कोई भी पैराग्राफ लिखता हूं अगर हमने उसके अंदर कोई भी पॉइंट्स देने हैं जैसे कि मेरे पाँच पॉइंट हैं तो मैं उसको नंबरिंग कर सकता हूँ जैसे फर्स्ट पॉइंट के आगे मैं वन लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट के आगे टू थर्ड के आगे थ्री फोर्थ के आगे फोर एंड फाइव फिफ्थ के आगे फाइव तो हम इसको नंबरिंग बोलते हैं और अगर मैं इसकी जगह कोई और चीज़ यूज़ करता हूँ जैसे कि मैं ब्लैक डॉट्स यूज करता हूँ जैसे कि वन के आगे एक ब्लैक डॉट फिर अगले सेंटेंस के आगे एक और ब्लैक डॉट और ऐसे करते करते पांच ब्लैक डॉट बना देता हूँ तो उसको हम बुलेट्स एंड नंबरिंग कहते हैं यू कैन असाइन द बुलेट्स और नंबरिंग टू द लिस्ट आइटम्स इन द डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग ऑप्शन ऑन द बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल बार यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एस्टिड लिस्ट बाई यूजिंग द बटन ऑन द बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल बार तो बच्चों अगर हमने ये वाला फ़ीचर इस्तेमाल करना है तो हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग जो टूल बार है उस पर जाकर क्लिक करना है तो हमारा ये बुलेट्स एंड नंबरिंग एनेबल हो जाता है उसके बाद आप अपना मन चाह जो आप बुलेट है मतलब जो शेप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका नॉर्मल नंबर की फॉर्म में आएगा असाइनिंग कलर बॉर्डर एंड ब्लैक बैकग्राउंड तो बच्चों बॉर्डर होता है जैसे कि हमारी एक तस्वीर होती है उसका पर्टिकुलर बॉर्डर होता है कि चारों तरफ एक डिज़ाइन हो या फिर हम इक्वल मार्जिन छोड़ दें तो उसको हम बॉर्डर कहते हैं टू असाइन बैकग्राउंड कलर टू द पैराग्राफ फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ तो बच्चों अगर हमें अपने पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर लगाना है तो हमें सबसे पहले अपना जो पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट फॉर्मेट पैराग्राफ एरिया कलर न सेलेक्ट द कलर तो बच्चों उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाना है वहाँ से हमें पैराग्राफ सेलेक्ट करना है उसके बाद हमें एरिया सेलेक्ट करना है उसके बाद हमें कलर पर क्लिक करना है उसके बाद आपके पास कलर की लिस्ट खुल जाएगी वहाँ से हमने एक कलर सेलेक्ट करना है टू असाइन द बॉर्डर टू द पैराग्राफ सेलेक्ट पैराग्राफ देन सेलेक्ट फॉर्मेट पैराग्राफ बॉर्डर सेलेक्ट लाइन स्टाइल विथ कलर तो बच्चों अगर हमने अपने पैराग्राफ पर बॉर्डर असाइन करना है तो हमें आ, पहले तो हमारे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है तो उसके बाद हमें फॉर्मेट पर जाना है फिर पैराग्राफ पर क्लिक करना है फिर बॉर्डर पर क्लिक करना है फिर हमें सेलेक्ट लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद हम स्टाइल वीट या कलर को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हमें आफ्टर सेलेक्टिंग क्लिक ओके और सेलेक्ट करने के बाद हमें ओके okay बटन पर क्लिक करना है उससे हमारा जो काम है वो हो जाएगा तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पेज फॉर्मेटिंग सेटिंग अप बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल्स पेज स्टाइल्स डिफाइन द बेसिक लेआउट ऑफ ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट तो बच्चों जो पेज स्टाइल होता है वो हमें ये जो एक पेज का बेसिक लेआउट होता है डॉक्यूमेंट में वो बताता है इट इंक्लूड्स पेज साइज़ मार्जिनस हेडर्स एंड फूटर्स बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सेट्रा तो बच्चों जो इसके अंदर सब कुछ आता है जैसे कि एक पेज का साइज़ कितना मार्जिन है हेडर एंड फूटर कि जो हमारे बॉर्डर हैं वो कैसे होंगे जो हमारा बैकग्राउंड है वो कैसे होगा हमारे कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे और भी बहुत कुछ द डिफॉल्ट स्टाइल इज़ असाइन टू द न्यू न्यू डॉक्यूमेंट बाई डिफ़ॉल्ट इट अपीयर्स ऑन द टास्क बार ऑफ द रटर विंडो तो बच्चों जो अगर हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक डिफ़ोल्ट स्टाइल अपने आप ही असाइन हो जाता है कि वो अगर हम कोई चेंज ना करें तो वो कैसा दिखेगा और वो हमें टास्क बार में दिखता है जो कि राइटर विंडो पर पाया जाता है टू चेंज द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द पेज जस्ट क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट स्टाइल ऑन द टास्क बार और क्लिक ऑन द फॉर्मेट और पेज अगर हमने अपना जो पैरामीटर है पेज के अगर हमने वो चेंज करने हैं तो हमने सिंपल सा काम करना है एक जस्ट क्लिक ऑन द डिफॉल्ट स्टाइल ऑन द टास्क बार तो बच्चों हमें डिफॉल्ट स्टाइल पर क्लिक करना है जो कि हमें टास्क बार पर पाएगा उसके बाद हमें Uh, uh, या फिर या फिर हम uh, अपना जो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके उसके बाद पेज पर क्लिक कर सकते हैं उससे कि हम अपने पेज के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक इन मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स द टेक्स्ट फ्लोज फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट एज यू एड इन्फॉर्मेशन इन सर्टेन केसेज वी मे रिक्वायर टू ब्रेक द करंट पेज and move the next heading or next chapter to the new page in the same document. in such cases we have to break the page for forcefully and take the cursor to the next page to insert the new heading. this is called as a page break. तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि page break आखिरकार होता क्या है। जैसे कि हम कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और हमारा पैराग्राफ लिखते-लिखते हमें हमारा पूरा एक पेज कवर हो गया उसके बाद भी अगर आप लिखते हैं तो वहाँ से जो हमारा पैराग्राफ है वो दूसरे पेज के ऊपर जो लिखना है वो शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पेज ब्रेक कि जो हमारा एक पैराग्राफ है वो वहाँ से कट कर दूसरे पेज पर भी लिखना स्टार्ट हो गया ऐसे केसेस में हमें जो पैराग्राफ है अगर हम अगर हम लिख रहे हैं एक पैराग्राफ एक पेज पर और आपको पता है कि अगर मैं अगला पैराग्राफ शुरू कर दूँ तो मेरा पूरा नहीं आएगा तो हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर कर थोड़ी सी जगह छोड़कर हम उसको अगले पेज से स्टार्ट कर देते हैं इसको हम एक पेज ब्रेक कहते हैं टू ब्रेक द करंट पेज एंड स्टार्ट द न्यू पेज सेलेक्ट इंसर्ट पेज ब्रेक फ्रॉम द मेन्यू बार तो बच्चों अगर हमें इस फीचर का यूज़ करना है अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आ, आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ तो हमें इंसर्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद पेज ब्रेक पर जाना है मेन्यू जो कि हमारा मेन्यू बार में आ, होता है और यूज़ द कीबोर्ड कमांड कंट्रोल प्लस रिटर्न और बच्चों आप अपने कीबोर्ड की सहायता से भी कंट्रोल प्लस रिटर्न दबा सकते हैं और उससे भी आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा द पेज ब्रेक कैन बी ऑल्सो बी नैरोड डाउन टू द लाइन एंड कॉलम बाई यूजिंग इंसर्ट मैनुअल ब्रेक तो बच्चों जो आप अपने पेज ब्रेक का फीचर है वो आप अपनी एक जो लाइन है और कॉलम है उस पर उस पर भी यूज़ कर सकते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर हमारा एक मैनुअल ब्रेक का ऑप्शन होता है अगर आप वहाँ पर क्लिक कर दें तो आप लाइन और कॉलम में भी पेज ब्रेक लगा सकते हैं क्रिएटिंग हेडर फुटर एंड पेज नंबर्स इन अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट इट बिकम नेसेसरी टू एड हेडर एंड अ फूटर ओ डॉक्यूमेंट फॉर मोर रिडेबिलिटी तो बच्चों अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं तो हमें हेडर एंड फूटर लगाना एक डॉक्यूमेंट में बहुत ही नेसेसरी हो जाता हेडर्स अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज फूटर्स अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ अ पेज हेडर्स एंड फूटर्स आर स्पेसिफाइड बाई पेज स्टाइल्स देर फॉर ऑल पेजेज विल द सेम पेज स्टाइल विल डिस्प्ले द सेम हैडर एंड फूटर तो बच्चों जो हेडर होते हैं वो हमारे जो पेज होता है उसके हर एक पेज कर हर एक पेज के टॉप पर दिखाई देते हैं और जो फोटर होते हैं वो बॉटम पर दिखाई देते हैं जो हमारे हेडर और फुटर होते हैं वो हमें जो कि पेज के स्टाइल होते हैं उस पर वेरी करते हैं कि भी जैसा स्टाइल होगा वैसा ही हमारा हेडर और फुटर होगा तो अगर हमारे सारे पेजेस का जो स्टाइल है पेज स्टाइल है वो सेम है तो हमारे सारे हेडर एंड फुटर भी सेम होंगे तो बच्चों अगर हमने हेडर और फुटर अपने पेज पर लगाना है तो हम कैसे लगाएं? अगर हमने अपने पेज पर हेडर लगाना है तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम हेडर पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही अगर हमने अपने पेज पर फुटर लगाना है तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद हम फुटर पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारा जो कि फुटर है वो लग जाएगा हमारे पेज पर तो एंटर पेज नंबर इन द फुटर सेक्शन प्लेस द कर्सर इन द फुटर सेक्शन एंड सेलेक्ट इंसर्ट पेज नंबर तो बच्चों अगर हमने अपने फुटर पर पेज नंबर एंटर करने हैं तो हमें जो अपना कर्सर है वो फोटर सेक्शन पर रखकर हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है उसके बाद पेज नंबर पे क्लिक करना है उससे हमारे जो फोटो सेक्शन है वहाँ पर हम अपने पेज नंबर्स को एंटर करा सकते हैं डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स असाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स टू इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स फ्रेम्स एंड पेजेस गिव अट्रैक्टिव लुक टू द डॉक्यूमेंट तो बच्चों अगर हम अपने पैराग्राफ के अंदर प्रॉपर बॉर्डर लगाते हैं बैकग्राउंड लगाते हैं फ्रेम फ्रेम uh, लगाते हैं तो उससे हमारा जो पैराग्राफ है जो उसकी लुक है जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो उसके लुक है वो बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव दिखने लग जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल बाई संग बॉर्डर्स और बैकग्राउंड्स रीडर इज एबल टू डिफ्रेंशिएट द पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्राम द रेगुलर टेक्स्ट तो बच्चों जैसे कि uh, मैंने आपको बताया था जैसे कि हम हेडर एंड फूटर भी यूज़ करते हैं और हम बुलेट्स एंड नंबरिंग भी यूज़ करते हैं उससे रीडर को बहुत आसान हो जाता है पॉइंट्स याद रखने में और उसको पता लगता रहता है कि पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स एडिंग बॉर्डर इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द बॉर्डर आइदर टू इंडिविजुअल करेक्टर और सिलेक्टेड और टू द सेलेक्टेड टेस्ट दिस प्रोसेस इज सिमिलर इन ईच केस तो बच्चों जो बॉर्डर का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है अगर आपको एक लाइन पर लगाना हो या फिर आपको किसी सेलेक्ट सेलेक्टेड टेस्ट पर लगाना हो जैसा कि मैंने आपको बताया था तो उसका जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है एडिंग बैकग्राउंड कलर टू एड बैकग्राउंड कलर टू द पैराग्राफ सेलेक्ट द पैराग्राफ तो बच्चों हमें बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए जो हमारा पैराग्राफ है पहले उसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट द एरिया टैब फ्रॉम द पैराग्राफ डायलॉग उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ डायलॉग का पेज खुलेगा वहाँ से हमने अपना एरिया के टैब को सेलेक्ट करना है अल्टरनेटली राइट क्लिक एनी वेयर इन द पैराग्राफ आप राइट right क्लिक भी कर सकते हैं पैराग्राफ पर और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ फ्राम द कंटेक्सट मेन्यू हमारे कंटेक्सट मेन्यू में जाकर आप पैराग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं इन द डायलॉग सेलेक्ट द एरिया टैप दन चूज़ कलर तो बच्चों जो डायलॉग बॉक्स होगा उसमें आपको एरिया टैप पर एरिया uh, टैप को सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको कलर चूज़ करना है कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर लगाना है सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर ग्रेड टू यूज दिस फ्रेम एंड देन क्लिक ओके टू apply एट द बैकग्राउंड तो बच्चों सेलेक्ट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके okay पर क्लिक करना है उससे जो आपका जो कलर होगा वो आपके बैकग्राउंड पर लग जाएगा इंसर्टिंग इमेज शेप्स स्पेशल कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट द रेगुलर टेक्सट इन द डॉक्यूमेंट कैन बी मेड अट्रैक्टिव एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वाई इंसर्टिंग द वेरियस एलिमेंट्स एज लिस्टेड बिलो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर मोर टूल्स टू बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट्स तो बच्चों जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज शेप्स और स्पेशल करेक्टर डाल देते हैं तो जो उसकी जो लुक है वो और अट्रैक्टिव लगने लग जाता है और जो हमारे रीडर्स होते हैं या फिर जिसको आप प्रजेंट कर रहे होते हैं उनको और अच्छे से चीज़ें समझ आने लगती हैं तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है इंसर्टिंग इमेज तो बच्चों हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम हमें इमेज इंसर्ट कैसे करनी चाहिए इफ़ यू विश टू इंक्लूड एनी पिक्चर और इमेज इन योर डॉक्यूमेंट द इमेज फाइल शुड बी स्टोर्ड इन योर हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल स्टोरेज सच एज पेन ड्राइव टू इंसर्ट एन इमेज इन योर डॉक्यूमेंट पोजिशन द कर सर वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द फाइल सेलेक्ट इंसर्ट इमेज तो बच्चों जो भी आपको अपनी इमेज इंसर्ट करनी है वो या तो आपके सी पी यू हार्ड ड्राइव में हो या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज में हो जैसे कि हमारे पास पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड होता है और जहाँ पर अभी आपको अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है वहाँ पे अपना कर्सर को पॉइंट करें और वहाँ पर ऊपर इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इमेज पर क्लिक करें और अनदर अल्टरनेटिव इज जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट इमेज आइकन लोकेटेड बिलो द फॉर्मेटिंग टूल बार और बच्चों जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसके नीचे आपको इंसर्ट इमेज का भी एक आइकन मिल जाता है अगर आप उसको डायरेक्टली क्लिक uh, करें तो आप वहाँ से भी अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं अ फाइल मैनेजर विल अपीयर फ्रॉम वेयर यू कैन सेलेक्ट द इमेज फाइल सेलेक्ट द इमेज फाइल एंड क्लिक एन ओपन बटन और जस्ट डबल क्लिक ऑन द इमेज फाइल तो बच्चों आपका इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो अगर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है जो इमेज इंसर्ट करनी है वो कहाँ पर है और आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप और उसके बाद अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी इंसर्ट स्पेशल करेक्टर्स समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू एंटर स्पेशल करेक्टर्स सच एज जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल करेक्टर मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर दिखा रखा है और विच नॉट बी टाइड बाई यूजिंग की बोर्ड लेबरी ऑफ राइटर प्रोवाइड्स अ फीचर टू एंटर द नंबर ऑफ स्पेशल करेक्टर्स एज शोन इन द फॉलोइंग डायलॉग टू डू दिस सेलेक्ट इंसर्ट स्पेशल करेक्टर तो बच्चों हमारे पास बहुत से ऐसे स्पेशल करेक्टर हैं जिसको हम अपने कीबोर्ड की हेल्प से लिख नहीं सकते अगर आपको वो सब ऐड करना है तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद स्पेशल करेक्टर्स पे क्लिक करना है आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी और अगर जो भी आपको स्पेशल करेक्टर वहाँ पर यूज़ करना है आप उस पर क्लिक कर दें तो वो आपका स्पेशल करेक्टर इंसर्ट हो जाएगा इंसर्टिंग शेप्स इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट वेरियस शेप्स इन योर डॉक्यूमेंट्स द वराइटी फ्लो चार्ट फॉर दिस कीप दर्सर इन द प्लेस यू विश टू एड द शेप एंड सलेक्ट इंसर्ट शेप एंड देन चूज द फर्दर एमेंट यू विश टू इंसर्ट तो बच्चों आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के सिम्बल शेप्स जैसे कि स्टार हो गया आप फ्लो चार्ट एड कर सकते हैं और आपको ये अगर ये सब एड करना है तो आप अपना जो कर्सर है उसको वहाँ पर पॉइंट करें जहाँ पर आप सबको ये ऐड करना है उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करें उसके बाद शेप पे क्लिक करें और उसके बाद आप अपनी मन चाहिए जो शेप है उसको सेलेक्ट करें जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इंटू कॉलम्स यू मे हैव सीन सम डॉक्यूमेंट्स where इट्स पेज is divided into टू और थ्री कॉलम्स इट इज़ used इन magazines एंड newspapers. तो बच्चों आपने बहुत से डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे जहाँ पर एक पा एक जो पेज होता है वो दो या तीन कॉलम के अंदर डिवाइडेड होता है जो कि मोस्टली मैगजीन और न्यूज़ में यूज किया जाता है इट इज़ पॉसिबल टू रेन द रेगुलर टेक्स्ट इन कॉलम्स बिफोर और आफ्टर रेडिंग द टेक्स्ट तो बच्चों ये पॉसिबल है कि जो हमारा रेगुलर टेक्स्ट होता है हम उसको अरेंज कर दे कॉलम्स में आ, या तो टेक्स्ट लिखने से पहले या बाद में टू डिवाइड द पेज इनटू कॉलम सेलेक्ट फॉर्मेट कॉलम अ कॉलम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन कॉलम एंट्री बॉक्स तो बच्चों अगर आपको अपने पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आपको फॉर्मेट पर जाकर कॉलम पे क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स आपके आगे अपीयर होगा उसके अंदर आपको लिखना है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और वहां पर आपको अपना वैल्यू लिखने के बाद ओके okay पर क्लिक कर देना है तो आपके पेज पर उतने ही कॉलम बन जाएंगे फॉर्मेटिंग द शेप और इमेज यूजर कैन फॉर्मेट द शेप और इमेज इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप इमेज का साइज़ चेंज करें कलर चेंज करें बॉर्डर ऐड करें उसकी पोजीशन चेंज करें आपने अगर कुछ भी ऐसा करना है तो उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं अगर आपको यह करना है तो सबसे पहले आपको जो आपकी इमेज है उसको सेलेक्ट सेलेक्ट uh, करना होगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा मतलब देन मेक्स यूज ऑफ टूल बार टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड चेंजेस और टूल बार के अंदर आपके अलग अलग फीचर्स होंगे जैसे कि अगर आपको साइज चेंज करना है साइज़ का फ़ीचर होगा कलर का फीचर होगा बॉर्डर का फीचर होगा पोजीशन चेंज करने का फ़ीचर होगा जो भी आप करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं थैंक यू बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा